हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या चेंजेस अपडेट्स आया है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, उनके बिहेवियर में, और वो एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। ठीक है, मैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी चेक करूंगी और रीडिंग के एंड में आपके लिए कुछ गाइडेंस भी लूंगी गॉड की तरफ से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रीडिंग होगी आज की। और गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे बताइए, नहीं करती तो आप स्किप कर देना। ठीक है, और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप देखेंगे आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प ही मिलेगी, पता चलेगा अपने पार्टनर के बारे में। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर सिचुएशन चाहे जो भी है आपके कनेक्शन की, बात हो रही है नहीं हो रही है, देखते हैं उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। फर्टिलिटी नंबर 3, लिब्रा, वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड नंबर 3 अगेन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज नंबर 5, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन नंबर 3, नंबर 3 मैं बहुत देख रही हूँ यहाँ, नंबर 1 अवेयरनेस। ओके, तो गाइज यहाँ पर जैसे कि 3-3 नंबर देखा मैंने अभी, तो मुझे लगता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कुछ के लिए, डेफिनेटली इनकी शादी किसी और से हो गई है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये पार्टनर आपको आज भी एडमायर ही करते हैं अगर ऐसा हुआ है तो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है इस पार्टनर की, तो डेफिनेटली ये किसी और के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। ठीक है, और ये पार्टनर इस टाइम फिलहाल तो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, काफ़ी अप्स एंड डाउन देख रहे हैं अपने वर्क में। देखिए, ये अपने वर्क में अभी भी सेटल नहीं हुए हैं, काफ़ी इनको ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मे बी इन्हें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है, और काफ़ी अवेयर हो रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली आपको हर्ट करा है, इस बात की अवेयरनेस भी है इन्हें, इनको पता है। ये पार्टनर मैनिफेस्ट तो करते हैं आपको, लेकिन इस टाइम सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 333, इट्स अ एंजल नंबर आल्सो, तो कुछ की लाइफ में डेफिनेटली इस पार्टनर ने शादी कर ली किसी और से, या फिर किसी और के साथ ये पार्टनर डेट कर रहे हैं इस टाइम पर, फिर भी आप जैसा पार्टनर नहीं मिलता इनको कहीं पर भी, ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आया है जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ये साइन आए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए आपके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है अभी इस पार्टनर के साथ, और ये पार्टनर अपने वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। इमोशनल विथड्रॉल नंबर 8, ये सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा, गॉड से भी माफी मांगते हैं आपको हर्ट करने के लिए, मेंटल कंफ्लिक्ट, और आप इनके दिमाग में भी हो,
नंबर टू, इनको इनके माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट है, इनको बहुत ज़्यादा सॉरी फील भी होता है आपके लिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैं। सॉलिट्यूड नंबर नाइन, बहुत रिग्रेट है आपको चीटिंग करने का इस पार्टनर को। इमोशनल लॉस, मैं यहां पर बिल्कुल ऐसा देख रही हूं, अगर ये पार्टनर इस टाइम आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ हैं, तो इस पार्टनर को बहुत रिग्रेट है आपको अकेला छोड़ने का, ठीक है, आपको दुख देने का, आपको हर्ट करने का। ये गॉड से माफ़ी भी मांगते हैं डेली आपको हर्ट करने के लिए, कि इन्होंने क्यों किया, जो भी रीज़न थे, जिस भी तरीके से आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ है, उन सब के लिए ये पार्टनर माफ़ी मांगते हैं, आपसे भी मांगते हैं और गॉड से भी। आपसे कभी कहा नहीं, लेकिन ये अपनी प्रेयर में मांगते हैं माफ़ी। इनको काफ़ी इमोशनल विड्रॉल फील होता है, इनके माइंड में कन्फ्लिक्ट है आपको हर्ट करने का, क्यों करा इन्होंने, क्योंकि आपकी ये रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, आपको एक अच्छा पर्सन मानते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ इस पर्सन के माइंड में कन्फ्लिक्ट भी है आपको लेकर, काफ़ी इमोशनल लॉस भी होता है इनको, इनको पेन होता है आपको छोड़ने का, या अगर ये इस टाइम आपके पास नहीं है तो इनको इस बात को लेकर हर्ट भी होता है, काफ़ी इमोशनल लॉस फील करते हैं ये। आपको ना पाकर ये पार्टनर खुश नहीं है, आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये इस पार्टनर की लाइफ में खुशियां नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। पर इस पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी है, खुश नहीं है ये पार्टनर। चलिए अभी टैरोट से निकालती हूँ मैं म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की क्या है एक दूसरे के लिए, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। सबसे पहले मैं दो कार्ड आपके लिए निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर के लिए। डेविल, बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, वेट अ सेकंड। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, द सन, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, तो आप इस पार्टनर के बारे में सोचते हो कि डेफिनेटली ये प्लेयर है, और आपको भी इस पार्टनर को लेकर एडिक्शन था, और इस पार्टनर को भी आपको लेकर एडिक्शन था, ठीक है, आप दोनों के ही बीच में रोमांटिक फीलिंग्स थी, लेकिन अब आपको लगता है कि ये पार्टनर प्लेयर है और गेम खेला इस पार्टनर ने आपके साथ, और आप काफ़ी, लेकिन इस पार्टनर के रहते रहते आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हो, बहुत ज़्यादा आपको बातों के बारे में पता चला है, और डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ आगे चलकर आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो यही है आपकी फीलिंग्स कि अगर आप इनसे दूर रहोगे तो आपको डेफिनेटली लाइफ में खुशियाँ मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर ऑलरेडी आपके पास आ नहीं रहे हैं, आपके होते हुए भी थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप इनसे अलग हो जाएंगे, ठीक है, और डेफिनेटली सरेंडर कर देंगे गॉड पर, फिर गॉड का जो फैसला होगा वो आपको मंजूर होगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। ये पार्टनर बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में काफ़ी डिले आने वाला है, ठीक है, और इस पार्टनर को लगता है कि ये सिर्फ आपको वेट ही कराएगा, क्योंकि एक्शन लेना इस पार्टनर के लिए
बहुत मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कास्ट वगैरह का इश्यू होगा या आपका धर्म अलग होगा। इस पार्टनर ने बहुत कोशिश करी थी, मेहनत भी करी थी, लेकिन चीज़ें फेवर में नहीं आ पाई इस कनेक्शन के आपके। ठीक है, और इस पार्टनर ने खुद में चेंज लेकर आने की भी कोशिश करी, लेकिन शायद से अभी सही टाइम नहीं है कि ये पार्टनर आपके पास आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी किसी और के साथ डील कर रहे हैं। तो वहां से अब अपनी एनर्जी को इन्हें क्लीन करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तभी ये पार्टनर आपके पास आ पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप जो सोच रहे हो कि मैं सरेंडर कर देता हूँ या देती हूँ, तो डेफिनेटली ये बहुत सही है, क्योंकि आपको स्टक नहीं होना। इस पार्टनर को आना होगा तो ये डेफिनेटली आएगा, नहीं आना होगा तो फिर आप कितना भी रो लें, परेशान हो लें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर जिनों का भी ये माइंडसेट है कि डेफिनेटली गॉड पे सरेंडर करना है और खुश रहने की कोशिश करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपके पार्टनर आज भी आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ही कराएंगे विद द हैंग्ड मैन कार्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा वेट है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइज ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ के लिए डेफिनेटली ये मैसेजेस हैं, कुछ के लिए ये मैसेजेस डेफिनेटली हैं। चलिए अभी यहाँ से मैं नेक्स्ट एक्शन के लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। नेक्स्ट क्या होगा इस कनेक्शन में, जिनों के भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे बताना। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू ऑफ कप्स, वाओ, एंड वी हैव स्ट्रेंथ। तो गाइस स्ट्रेंथ रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि आप दोनों डेफिनेटली लवर्स के कनेक्शन में हो। ठीक है, आप दोनों की जोड़ी ऊपर से ही बनकर आई है, लेकिन इस जर्नी में बहुत चैलेंज हैं आपके, बहुत ज़्यादा। तो आपको हिम्मत रखनी होगी। अगर इस पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, नहीं भूल पा रहे हो, तो आपको हिम्मत करनी होगी और वेट करना होगा। और जो लोग वेट नहीं कर सकते, डेफिनेटली उनको सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जो उनके लिए लिखा हुआ है वो डेफिनेटली उनके पास आएगा ही आएगा, नो मैटर वॉट। ठीक है, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये एक्शन लेंगे। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल यहाँ पर देख रही हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और जिनसे वेट नहीं हो सकता तो वो सरेंडर कर दो गॉड पर और आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में लिखे हैं तो आ जाएंगे, अदरवाइज रोने से, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, इस पार्टनर का फोकस पूरी तरीके से अभी इनके वर्क पर है, फाइनेंस पर है, और ऑलरेडी ये किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, ऑल टाइड अप। लेकिन आपके साथ भी अभी सब कुछ बंधा हुआ है। अगर ये पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वहां से अपनी एनर्जी क्लीन कर आएंगे आपके पास। ठीक है, हमारे कुछ पास्ट के कर्मास होते हैं जो कि हमें पूरे करने पड़ते हैं, तो वही चीज आपके पार्टनर को करनी पड़ रही है। आपको थोड़ा सा एक माइंडसेट बनाना होगा, टेंशन फ्री होना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्टक रहोगे, परेशान रहोगे, तो आपके वर्क पर भी काफी फर्क पड़ेगा और आपकी हेल्थ पर भी। द टेम्पल पाथ, जो भी आपको देखिए बॉटम ऑफ द डेक से विक्ट्री का कार्ड है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, आप पर्टिकुलर जैसा पार्टनर आपको चाहिए, आप गॉड से मैनिफेस्ट करो। ठीक है, वो आपकी दुआओं को सुनेंगे, कबूल करेंगे, और डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी अपनी अपनी खुद की लाइफ में। आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं। ठीक है, और अगर यही पार्टनर आपकी किस्मत में है, डेस्टिनी में है, तो डेफिनेटली कैसे भी कर आएंगे, कैसे भी कर आएंगे, क्योंकि किस्मत में लिखा हुआ कोई छीन कर नहीं 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 जाएगा। चलो यहाँ से कुछ एडवाइस निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए, और आपको क्या एडवाइस देंगे। क्या कहेंगे आपसे देख लेते हैं। वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए मैंने क्या कहा था, डिवाइन को सरेंडर कर दो, हर एक चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते, तो आप सरेंडर कर दो। आप जबरदस्ती अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ सकते, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, जो भी होना होगा।
सरेंडर कर दो डिवाइन पर, एडजस्ट करो टाइम के साथ खुद को, सिचुएशन जो भी है उसमें खुश रहना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, ठीक है? अभी लाइफ बहुत है, आगे बहुत कुछ देखना है, ठीक है? एडजस्ट करो टाइम के साथ और बिल्कुल ये एक्सेप्ट करो कि, एक्सपेक्ट करो कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा, कुछ सॉलिड होगा जो आपके लिए गॉड ने लिखा हुआ है, आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ठीक है? तो आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जो रीडिंग में आएगा मैं वही बताऊंगी, और ये पॉसिबल नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट करे, लेकिन यस कुछ के लिए ये डेफिनेटली ट्रू है और उन्हीं के लिए ये रीडिंग आज की हुई है। तो गाइस जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।